मेरे पास है एक रुपए और मैं इससे एक बिजनेस चालू करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो अब क्योंकि एक रुपए से बिजनेस चालू करना बहुत मुश्किल है, तो मैंने सोचा क्यों ना OLX पे कुछ चीजें बेच के पैसे कमाए जाए। तो पहले मैं YouTube पे ट्रिक शॉट्स के वीडियो बनाता था, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे आना भाई, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे सामान हैं ट्रिक शॉट्स के। तो अब हम लोग इन्हीं में से कुछ ढूंढेंगे और मैं सोच रहा हूँ कि इन्हीं में से मैं कुछ OLX पे बेचूंगा। तो हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए प्रोडक्ट्स ढूंढे और फिर तो अभी हम दोनों को ये चीजें मिली है, ये फ्रिस्बी है और एक ये बास्केटबॉल है, और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इन्हें बाहर जाके टेस्ट किया जाए। लेकिन मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। इस पे हवा नहीं है, कम से कम ये तो सही होगा। नहीं करना यार, ये वीडियो बंद कर। तो अब क्योंकि हमारे दोनों प्रोडक्ट सही थे बास्केटबॉल के अलावा, तो अब बारी थी इन्हें OLX पे डालने। तो सबसे पहले मैंने इन दोनों प्रोडक्ट्स की फोटो खींचे और इन्हें OLX पे लिस्ट कर दिया, और मैंने दोनों प्रोडक्ट्स का प्राइस 200 रुपए रखा। अगर मुझे OLX पे थोड़े से मैसेजेस आ गए और कहीं ना कहीं मैं 200 या 300 रुपए का प्रॉफिट बना दूं, तो आगे मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है। होपफुली हमें कुछ मैसेजेस आ जाए। तो मैंने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर दिया और मैं सोने चला गया। तुम लोगों को बिलीव नहीं होगा कि अगले दिन मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे OLX पे एक भी मैसेज नहीं आया। क्योंकि मुझे OLX पे कोई मैसेज नहीं आया, इसलिए मैं खुद ही अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए चला गया। ये खरीदेगा क्या? कितने का है? क्या पागल आदमी है, यूट्यूबर से दोस्ती करनी नहीं चाहिए। The next day. तुम लोगों को बिलीव नहीं होगा कि मेरे साथ अभी क्या हुआ है। देखो, OLX पे मुझे 5 मैसेजेस आए। 2 जन मुझे बास्केटबॉल के लिए 100 रुपये दे रहे हैं और 1 जन फ्रिस्बी के लिए 100 रुपये दे रहा है। लेकिन 1 जन ऐसा है जो दोनों चीज़ों के लिए 200 रुपये दे रहा है, और 1 जन है जो 150 में बास्केटबॉल के लिए तैयार हो गया, और 1 जन को मैं मना रहा हूँ कि फ्रिस्बी के लिए 150 रुपीज़ मुझे दे दे। तो मुझे लग रहा है कि हमें 200 नहीं, मे बी 250 या 300 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो अभी जस्ट मैंने 2 जनों से बात की है और 1 जन मेरे को बास्केटबॉल के लिए 150 रुपीज़ देने के लिए तैयार है, और 1 जन मेरे को फ्रिस्बी के लिए 150 रुपीज़ देने के लिए तैयार है। तो मैंने दोनों को कल 3 बजे का टाइम दिया है, तो होपफुली कल हम लोग थोड़ा प्रॉफिट कमा सके। देखा जाए तो अभी तक अपन लोगों ने वो 1 रुपया भी स्पेंड नहीं किया है। तो अब मैं नीचे आ चुका हूँ, होपफुली वो दोनों बायर्स आ जाए, मैंने उनको यही टाइम दिया है। तो अब देखते हैं वो लोग आते हैं कि नहीं। तो पहला बायर आ चुका है, मुझे 150 रुपये मिल चुके हैं। तो बेसिकली अब हमारा बास्केटबॉल चला गया है, होपफुली अब हमारा फ्रिस्बी भी चले जाए। दूसरा वाला आदमी मेरे को, मैंने उसको यही टाइम दिया था लेकिन वो अभी तक आया नहीं, तो वेट करता है। पुराने दिनों की याद आ गई, जब मैं ट्रिक शॉट बनाता था, मैं ऐसे ही कूल चीज़ें करता रहता था। अभी देखो क्या हो गया, 15 मिनट हो चुके हैं और कोई नहीं आया। तो मैंने दूसरे वाले बायर से बात की, और तो मैंने अभी बात की और मुझे पता पड़ा है कि वो रास्ते पे और आ रहे हैं बस थोड़ी देर में। वैसे तुम लोग बोल रहे थे कि भैया व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करो। हाय गाइस, नहीं भाई मैं नहीं कर सकता ऐसा। तो थोड़ी देर बाद में वो आ गया और मैंने उसको फ्रिस्बी 150 रुपीज़ में बेच दिया, और अब मेरे पास 300 रुपीज़ थे। तो अब हम लोगों ने फ्रिस्बी और बास्केटबॉल दोनों को बेच दिया है, और अब हमारे पास है 300 रुपीज़। वो बिलीव नहीं हो रहा, मेरे पास सिर्फ 1 रुपये था, मैंने उसको यूज़ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी अभी हमारे पास 300 रुपीज़ है। क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ रुपये हैं, इसलिए अब मैं चालू करने वाला हूँ एक असली बिजनेस, फेसबुक रीसेलिंग। तो सबसे पहले मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस पे सस्ते प्रोडक्ट्स ढूंढना चालू किया, और थोड़ी देर स्क्रॉल करने के बाद मुझे ये M10 के एयरबड्स मिले, जो मुझे सिर्फ और सिर्फ 69 रुपीज़ में मिल रहे हैं।
मैं चाहूँ तो इनको 200 या 300 या मे भी 400 रुपये में भी बेच सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस सेलर से फ़ोन पे बात कर लेता हूँ जस्ट टू कंफर्म कि क्या एक्चुअली इसके पास में है और क्या ये मुझे सच में 69 रुपीज़ में ही बेचे। तो मैंने उस सेलर से बात की और वो 69 रुपीज़ में देने के लिए तैयार था। पर लेकिन मेन ट्विस्ट अब आता है। देखो जो M10 के एयरबड्स है मैं ये घर पे नहीं मंगाऊंगा, बेसिकली मैं इनके फोटोज़ और वीडियोस OLX पे डाल दूंगा और इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर दूंगा, भले ही वो प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है लेकिन जैसे ही कोई भी मुझे OLX पे मैसेज करता है ये प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अगर उसको ख़रीदना होगा तो मैं जो फेसबुक वाला है उसके पास जाके मैं 69 रुपीज़ में ख़रीद लूंगा और OLX वाले को प्राइस बढ़ाकर बेच दूंगा। जस्ट टू क्लियर यू गाइस, तुम लोग मुझे कहते हो कि हर्षद मेहता फ्यूचर हर्षद मेहता है चिराग मेहता इज इक्वल्स टू हर्षद मेहता हर्षद मेहता। भाई मैं हर्षद मेहता नहीं हूँ, बंद करो ये सब कमेंट्स यार। मतलब देखो मैं सिगरेट नहीं पीता पर जेब में लाइटर जरूर रखता धमाका करने का। चिराग तेरे जेब में से लाइटर कैसे निकला? तो मैंने अब इसको लिस्ट कर दिया और मैंने इसका प्राइस रखा है 399। ज्यादा है लेकिन अगर कोई बार्गेनिंग करेगा तो मैं मे बी उनको 350 या मे बी 300 रुपए पे रोक सकता हूँ। बस मैं यही चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट से 200 या 300 रुपए के बीच में मेरा प्रॉफिट हो जाना चाहिए। मे बी तुम लोग सच ही कहते हो, मैं हर्षद मेहता। तो अभी हम लोगों को OLX पे 2-3 मैसेजेस आ चुके हैं। एक जन ने मेरे को 200 रुपये देने के लिए तैयार हो गया तो मैं सोचा हूँ कि मैं उसी से डील करूंगा। तो अब बारी थी वो 69 रुपीस वाले एयरपॉड्स को लाने की और मैं वो एयरपॉड्स ला चुका हूँ और अब बारी है इन्हें टेस्ट करने की। तो एयरपॉड्स तो सही है, अब मैंने कल उसे टाइम दे दिया तो हम लोग कल सुबह मिलने वाले हैं और मैं उसे ये एयरपॉड्स दे दूंगा। मैंने प्राइस फिक्स की है 200, वो फुली कल वो आ जाए। तो अब मैं एक बार फिर से बाहर आ चुका हूँ, हम लोग हमारे जो गेमिंग बर्ड्स हैं उनको बेचने वाले हैं तो होपफुली वो भी बंदा जल्दी आ जाए। और थोड़ी देर में मैंने वो गेमिंग बर्ड्स 200 रुपये के लिए बेच दी। तो अब हम लोगों ने सब कुछ बेच दिया और अब हमारे पास करंटली 431 रुपीज़ है जो बहुत क्रेजी अमाउंट है। देखो OLX पे हम लोगों ने खाली शुरुआत की थी लेकिन फेसबुक रीसेलिंग सच में हम लोगों ने एक बिजनेस एक्चुअली में चालू कर दिया है। अगले वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि मैं शायद ड्रॉप शिपिंग करूँगा। और हाँ, अगर तुम लोगों को कोई एक फ्री ड्रॉप शिपिंग मास्टर क्लास देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके देख लो। लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये चैलेंज हो जाएगा, लिटरली हमारे पास 1 रुपये था। वेल वो भी मैंने यूज़ नहीं किया लेकिन फिर भी हमारा यहाँ पे आज बिजनेस खड़ा हो गया है। मतलब और फिलहाल वो बिजनेस से खाली 130 रुपये का ही प्रॉफिट आया शायद। और मैं मिलता हूँ तुमको अगले वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है देख लो।